जो है ना दरगाह हजरत किसकी है, करीम शाह। अरे तो ये हजरत शाह अब्दुल करीम की दरगाह। ये जो दरगाह है ना, ये भी पीर की है मगर इसका नाम नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ZA व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई मैं भी खैरियत से हूँ। अभी जो है हम घर जा रहे हैं और साइड पे दे रहा, पता ही आपको अभी छुट्टियाँ नहीं है अबू को, तो सारा दिन यहीं यहीं पे होते हैं, सोने घर जाते हैं आराम करने के लिए, बाकी सारा दिन यहाँ पे होते हैं। आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा धूप भी है और आसमान में उसी तरह हैं जिस तरह से होते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम अभी भी है और चलेगी भी। शाह करीम के मौसम का हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसी तरह ये यादगार लम्हे रहेंगे। जब तो व्लॉग भी बना लिए हमने तो दिक्कत नहीं होगी हमें। बाकी तो बता मड़ा क्या कहें, ये कोई ना कोई बस बाइक मिल जाती है उसी पे चक्कर लगा लेते हैं विदाउट एनी टेंशन। फुल बाइक होती है फुल इसी तरह। तो अभी हम जा रहे हैं घर अपने और वहाँ पे आराम आराम करेंगे, उसके बाद ही देखते हैं कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते। दरगाह का भी शाम को चक्कर लगाएंगे। यहाँ पे आके ना मुझे भी जैसे यानी कि सिंधी आ गई है, जिस तरह से हमारे जो है सिंधी के हम दो हैं, एक होते हैं उत्तराधी एक होते हैं लाड़ वाले। ये जो है ना लाड़ वाले हैं, तो इनके साथ रह रह कर मुझे उर्दू में भूल गया हूँ, सिंधी बात करता हूँ इसी तरह। तो अभी चलते हैं घर, थोड़ा बहुत ज़्यादा आराम करें, फिर उसके बाद हम आपको फिर से दीदार करवाते हैं। ये काला हो गया, ये देखो आत्मा, काली आत्मा। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो अभी घर पहुँच गए हैं, अभी आराम आराम करेंगे, उसके बाद शाम कहीं ना कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए। यार अब हालत को इग्नोर करें, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये फ्रेम काला हो गया, फ्रेम कालू कालू छुआ में नहीं रहे, ये तेरे जिंदगी तेरे मकसद चाहे छुआ है ना दुनिया में, जिंदगी जो मकसद चाहती रहे ये छुआ है ना दुनिया में, जिसको मरे उंगली। बस फिर बस बस One death to society later. Finally, हम जाग चुके हैं क्योंकि 2:30 बजे जो है, 1:30 बजे हम सो गए थे वहाँ साइड से आके, तो अभी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पता नहीं क्यों। बादल अभी भी हैं मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस अल्लाह पाक के करम से गुजारा हो रहा है। और ये वरना हमारा फेवरेट पाम ट्री स्नैच शिवलिंग ये हिल ही नहीं रहा अभी तो, बाकी यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी चलते शहर लगाते चक्कर, दरगाह बरगाह पे ज़्यारत करवाते हैं, हम आपको उसके बारे में बताता भी हूँ कि दरगाह आखिर कौन सी है और इस शहर का नाम दरगाह के मुताबिक क्यों रखा गया। सही है, तो ये रही गाड़ी और फेम की हो गई तबीयत ख़राब अचानक। हाउ इज़ योर फीलिंग नाउ? कुछ सही, दादागिरी निकाल दूंगा मैं, कुछ सही। तो अभी इसको लेके जाने हमने दरगाह पे, वहाँ पे ज्यारत व्यारत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे असर की, फिर जो है हम आपको वहीं पे मिलते हैं। अच्छा तो ये वो वाला स्कूल है जहाँ पे मेरे अबू दादा यानी कि ना पूरी फैमिली हमारे चाचू वालों ने तैलीम हासिल की थी 8 क्लास तक, तो उसके बाद जो है सारे ट्रांसफ़र हो गए थे कंजारा में। तो इसी हवाले से ये बादल कुछ इस तरह से हैं और ये वाला रास्ता मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो अभी हम जा रहे थे दरगाह की तरफ, दरगाह पे जो जाने का रास्ता है वो इसी तरह है, और आज काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, और शुक्र है कि भाई कीचड़ जो है ख़त्म हो गया, वरना आपको पता ही है कि स्लिप होते जाते और ये छोटे 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 बच्चे और ये मुकाम दरगाह का ही रास्ता, ये देखिए उड़ उड़ के जा रहे हैं, उड़ उड़ के। तो अभी जो है हमने यहाँ पर पार्क करनी थी बाइक, उसके बाद जो है अंदर जाना था, अभी ये कर दिए हमने गाड़ी पार्क, और ये सामने पूरा जो है ना दरगाह का ही व्यू है, तो इसी तरह आप चलते हैं दरगाह के अंदर। अब ये जो है ना दरगाह हजरत
किसकी है, करीम शाह, करीम शाह यानी कि शाह लतीफ़ के दादा की, और ये सारी दरगाहें उनकी हैं यानी कि अपनों की। ये मलंग बैठा हुआ ऐसे मिलते हैं और उसके बाद ही अंदर जाते हैं हम। तो के कल माटी उस त अचूंगा क्रोनी कल चाय कौन खनी आज भी चाय कर ने कर का वो बता तो पई पे कपड़ा हम जा पूछे आयो तो तालो लोग पियो तो समझो के जा रिया। हां तो मु समझो ए ब्याह ले आज इने करे कौन आयो फे नी मुझे ये बुधाऊ पे कौन है कि था गए बरसा से कल पई पे असा तो 10 बजे तक इंतजार करते होते भरी दो उदाल ये वो उसी तरह है जिस तरह शाह लतीफ़ की दरगाह की तरह उसकी तरह माइंड की तरह मैं भर रहे हैं भरे जी। तो ये हज़रत शाह अब्दुल करीम की दरगाह और ये जो है ना लगे हैं सुकून है यहाँ पे इसकी तरफ के दरगाह का जो नाम रखा गया है ना वो है शाह अब्दुल करीम बुलड़ी। इस पीर का नाम इस शहर पर रखा गया है क्योंकि इसने आबाद किया था इसने। तो हम आए थे यहाँ पे दुआ मांगने और ज्यारत करते हैं हम दुआ मांगते हैं इनको ये वाला दिखा सारी ज़्यादा आप भी कर लें हम भी कर लें उसके बाद बाहर की तरफ और कुछ बातें बताते हैं। ये जो है ना यहाँ भी सारा साफ सफा है और ये कहीं जा रहा है अभी हम वज़ू करने जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये था दरगाह है शाह अब्दुल करीम नाम से ये शहर है इसकी बड़ी है इसकी अल्लाह पाक के बुजुर्ग वली हैं इसी हवाले से क्योंकि मैं गलत कह भी नहीं सकता ताकि जो आपको इसकी हर जगह पे मिल सकती है। तो मेरी जो इज्जत है ये तो मेरी को चेक करें मुझे अपने घर हर जगह पे मिलते हैं मेरे को नमाज पढ़ेंगे नमाज पढ़ने के बाद में आपको कुछ और ज़्यादा करवाता हूँ ठीक है। नमाज मोमेंट्स लेटर अंदर भी पीर है यार लगे रखा है इसके अंदर भी पीर है यहाँ पे यार करवाते भी हैं और इसके नीचे पूरा कब्रिस्तान है यानी शाह के बदली शाह के का पीछे है सारा कब्रिस्तान ये पीर गुजरे है। इसका हजरत मोहम्मद पता नहीं क्या नाम लिखा है तो ये जो पीर है यहाँ पे ज्यादा करते हैं गाँव मारते हैं और ये जो है इसके पीछे सारा पूरा कब्रिस्तान है पीर बजरग ये भी वली हैं और जो है यानी कि कोई भी यानी कि अगर फोत हो जाता है ना तो उसको यहाँ पे दफनाया जाता है। और इसी तरह यहाँ पे मेरे कुछ दो कुछ नहीं बल्कि दो चाचे भी फोत हुए हैं इसके पीछे और ये जो है सारे पीर बजरगों की यानी कि ना उतरबतें। अब ये जो ऊपर भी है ना इसकी हिस्ट्री तो यहाँ पे लिखी हुई है इसका नाम नहीं पता मुझे इसका नाम है सैयद जुम्मन शाह और इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं ये सामने लगी हुई है बोर्ड पे। बाकी जो है मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को बस उतना ही बताऊंगा क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ गलत कह भी नहीं सकता क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है ना तो आप उसके बारे में ना कहें। और बाकी जो है ना ये वाला पूरा पीछे कब्रिस्तान है उसका ये गेट है एक जो गेट है उसी तरफ है। तो ये जो सारी है ना सारी ये हज़रत शाह अब्दुल करीम बलड़ी दरगाह शरीफ उसके यानी पीर वली बुजुर्ग वगैरह सारे कुछ यहाँ पे दफने हुए दफन हुए हुए हैं उसका खारा खाना यानी तो ये उसी का ही सब कुछ है। ये जो दरगाह है ना ये भी पीर की है मगर इसका नाम नहीं पता। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे भी दुआई मांग लेते हैं बस यहाँ से
और पूरा जो है ना इस तरह से व्यू है। मलंग हमारा यानी कि हमारे दादा का दोस्त है, हमारे दादा के दौर का ही, हमारे बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और मतलब ना बहुत ज़्यादा हमें काम करता है हमारे साथ। तो ये उसका व्यू ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे खातिन आई हुई है, तो इसलिए उसका एक क्या कहते हैं ना एहतराम करना लाजमी है। और ये बाहर का गेट है तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। जब उन्हें जो है कार ज़्यादा कर दिया वहाँ पर दिखाया मैंने आपको। ये इनकी बाज़ार है, यहाँ पर शुरू होती है सरकार की बाज़ार और ये मेन बाज़ार शहर की। ठीक ठीक है जिता जिता धीरे धीरे पार्ट भरी हो ना उनके गलन हो ना। सही है सही है ओके जी। दुकान शॉप से और ये वाले दर्जी है और ये भी रेस की दुकान है। सारा इसी तरह है जिस तरह हमारे शहर की बाजार है कंडियारो वाली। शहर ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा है, शहर ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा है, शहर के लोग प्यारे, शहर के लोग प्यारे later। तो दरगाह और शहर बाज़ार से चक्कर लगा के हम फिर से आ गए थे कैंप पे। तो अभी कैंप का ये वाला सीन आखिरी दिन भी है तो जो है सब कुछ यहाँ का, तो सुलह को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, अगर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।